भूगोल को दो मुख्य शाखाओं में बांटा जाता है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। आज हम मानव भूगोल की बात करेंगे। तो भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उनसे उत्पन्न परिणामों या सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा मानव भूगोल कहलाती है। इस प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत दो प्रकार के तथ्यों के अध्ययन को शामिल किया जाता है। पहला है प्राकृतिक तथ्य, जिसके अंतर्गत किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति, स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, खनिज जैसे तत्व शामिल होते हैं, एवं दूसरा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित तथ्य, जिसके अंतर्गत जनसंख्या, मानव अधिवास, बस्तियाँ, मानवीय क्रियाकलाप या व्यवसाय एवं यातायात के साधनों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों प्रकार के तथ्यों का मानव एवं उसकी क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य स्वयं भी इन दोनों तथ्यों पर अपना प्रभाव डालता है। मानव भूगोल में निहित इन्हीं तथ्यों के समुचित अध्ययन के लिए भूगोलवेत्ताओं द्वारा मानव भूगोल के तीन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिव या सार्वभौमिक एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत, और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मानव भूगोल के दोनों तथ्य, चाहे वे भौतिक हों या सांस्कृतिक, सदैव परिवर्तनशील रहते हैं। उनका आकार, प्रकार, गुण, प्रकृति, मात्रा अथवा व्यवहारिक रूप निरंतर बदलता रहता है। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को यदि समय या उनके घटित होने की दर से देखा जाए, तो हम उन्हें पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अल्पकालीन परिवर्तन, जिसके अंतर्गत क्षणिक परिवर्तन जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट, दैनिक परिवर्तन जैसे कि दिन रात का बनना, मौसमी परिवर्तन या वार्षिक परिवर्तन जैसे कि ऋतुओं का बनना आदि को शामिल करते हैं। दूसरा है दीर्घकालीन परिवर्तन, जिनको घटित होने में दशकों, शताब्दियों या लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, जैसे कि पर्वतों का निर्माण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यदि हम परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि पृथ्वी की सतह पे परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को हम छह मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जो हैं पृथ्वी के ग्रहीय संबंध पहला, दूसरा पृथ्वी की विवर्तनी की शक्तियाँ, तीसरा सौर शक्ति, चौथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पांचवा जैविक शक्तियाँ और छठा है मानव या मानवीय शक्ति। पहली जो शक्ति पृथ्वी के सतह पे परिवर्तन लाती है, उसमें जिससे हमने बांटा है वो है पृथ्वी के सौर संबंध। इन सौर संबंधों के कारण ही पृथ्वी पे दिन रात एवं ऋतुएं जैसे परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी पर ताप की पेटियां और पवन पेटियों आदि का संबंध पृथ्वी के सौर संबंधों से है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो है पृथ्वी की विवर्तनी की शक्तियाँ, इसके अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, धीमी गति वाले और दीर्घकालीन। धीमी गति वालों में पर्वतों का बनना, किसी स्थान का ऊपर या नीचे धंसना, और अल्पकालीन परिवर्तनों में ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप का होना। तीसरा है सौर शक्ति, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश, गर्मी, ओस, पाला, तुषार, हिमकरण, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, आंधियां, तूफान इत्यादि सारी चीजें घटित होती हैं। अब चौथी जो शक्ति है वह है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसी के कारण जल जो है हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सघन वायुमंडल जो है वो भूतल के समीप पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही ऑक्सीजन को खींच के भूतल के समीप एकत्रित कर देती है। पांचवी जो शक्ति है वह जैविक शक्तियाँ, जिसके अंतर्गत वनस्पति और जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है, जो भी निरंतर अपने क्रियाकलापों द्वारा भू सतह पर परिवर्तन लाने का काम करते हैं।
और छठी जो शक्ति है वह है मानव या मानवीय शक्ति। मानव भी भूतल पर परिवर्तन लाता रहता है, वह स्वयं भी परिवर्तनशील है एवं अपने आसपास के वातावरण को भी परिवर्तित करने में लगा रहता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए हमें मानव संस्कृति की क्रियाओं का अध्ययन इस प्रकार से करना चाहिए कि जिसमें पृथ्वी के क्रियाशील सभी पदार्थों को हम शामिल कर सकें। पार्थिव या सार्वभौमिक एकता अथवा अंतर संबंध का सिद्धांत, इसके अनुसार मानव भूगोल के सभी तथ्य अंतर संबंधित होते हैं। संसार के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे भौतिक हों या मानवीय, जड़ हों या चेतन, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित पाए जाते हैं। किसी भी तथ्य का पृथक अस्तित्व नहीं है। पार्थिव एकता एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर देश एवं काल में विद्यमान होती है। अंतर संबंधों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था पाई जाती है और इस सिद्धांत को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे किसी प्रदेश में सूर्य तप की उपलब्धता, किसी प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी की गति, सूर्य की किरणों का तिरछापन, धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी आदि कारकों के संयुक्त प्रभाव से जलवायु प्रदेशों का निर्धारण होता है। इसी तरह से नदियों के बहाव, ढाल, पर्वत श्रृंखला, अपक्षय तथा अपरदन प्रक्रिया, नदी में जल की उपलब्धता, चट्टानों की प्रकृति आदि का संयुक्त प्रभाव नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों पर देखा जा सकता है। वनस्पति प्रदेशों का निर्धारण धरातल, जलवायु एवं मिट्टियों के संयुक्त प्रभाव या अंतर संबंधों द्वारा होता है। किसी भी प्रदेश में किस प्रकार के पशु पाले जाएंगे, यह वहाँ के धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति एवं मानव समूहों के अंतर संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की फसलें बोई जाएंगी, इसका निर्धारण वहाँ के वर्षा, तापमान, धरातल, सागर से दूरी, मानव के भोजन करने की आदतें तथा बाजार जैसे तत्वों द्वारा निर्धारण होता है। इसका मानव के भोजन करने की आदत या भोजन का जो प्रतिरूप है उसका निर्धारण क्षेत्रीय वनस्पति, जीव जंतु, सागर से दूरी, वहाँ के समाजों में आपसी संपर्क, इन सभी के यौगिक प्रभाव के द्वारा मानव वहाँ के मानव समूह का भोजन प्रतिरूप निर्धारित होता है। किसी भी धरातल पर जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, उस क्षेत्र की भूमि, धरातल, जल की उपलब्धता, जलवायु, वनस्पति, कृषि, उद्योग एवं व्यापारिक गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव से होता है। अर्थात ये सभी इन सभी तत्वों में पार्थिव एकता पाई जाती है। इस प्रकार पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि विश्व के जड़ एवं चेतन सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है जो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है और उन्हें परिवर्तित एवं संशोधित करके सांस्कृतिक तत्वों को उत्पन्न करता है। समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता से संबंधित हैं। अतः मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण में यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि उन पर किन किन परिस्थितियों का और कितना प्रभाव पड़ता है। अतः किसी भी तथ्य का भौगोलिक अध्ययन स्वतंत्र रूप में नहीं बल्कि समन्वित रूप में किया जाना चाहिए। वातावरण समायोजन सिद्धांत, क्रियाशीलता एवं पार्थिव एकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में वातावरण समायोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक प्रदेश के पर्यावरण में वहाँ निर्धारित की गई सीमाओं में रहकर मानव अपनी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करता है। भौगोलिक दशाएं मानव पर प्रभाव डालती हैं एवं मानव भी इन पर अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या मानव भूगोल का सदैव केंद्र बिंदु रही है। सभ्यता का क्रमिक विकास भी इसी का
द्योतक है। आदिकाल से मानव एवं पर्यावरण के संबंध परिवर्तनशील रहे हैं। यदि देखा जाए तो मनुष्य ने पहले पूर्ण रूप से प्रकृति का दासत्व स्वीकार किया और बाद में प्रकृति को अपने अनुसार और अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, जैसे कि टुंड्रा के एक्सक्यूमो, कांगो बेसिन के बुशमैन, पिग्मी, अरब के बाडबीन, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स, इन सभी को अगर हम देखते हैं तो ये सभी वातावरण समायोजन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वातावरण में परिवर्तन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है। मानव पर्यावरण के संबंध द्विपंथी हैं। प्राकृतिक वातावरण में प्रादेशिक स्थिति, भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, जलराशियाँ, वनस्पति आदि मनुष्य के रहन सहन की क्रियाओं एवं उसकी छांट की सीमाओं को प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत मनुष्य अपने शारीरिक और आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय करता है। मानव दोनों प्रकार के वातावरण के प्रभाव के अनुसार कार्य करता है, अर्थात प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय और सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है और इनके अलावा वातावरण में भी परिवर्तन करता है। इन क्रियाओं को वातावरण समायोजन कहते हैं। वातावरण में परिवर्तन को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं यानी नीड्स, शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है और यह समायोजन दो प्रकार से किया जाता है, अनुकूलन एवं रूपांतरण। अनुकूलन के अनुसार मानव प्राकृतिक वातावरण की उपज है। प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही मानव अपने क्रियाकलापों में यथाविधि परिवर्तन करता है। हिमालय प्रदेश के हिमाच्छादित एवं उबड़ खाबड़पन को दूर करने की बजाय मनुष्य स्वयं उसके अनुसार कार्य करने लगता है। टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ के मकान, खाल के वस्त्र, रेगिस्तानों में ढीले ढाले चोगे एवं ऊँटों की सवारी जैसे उदाहरण अनुकूलन के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरा है रूपांतरण। मानव ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लिया है, यही रूपांतरण कहलाता है। जैसे गर्मी का होना स्वाभाविक है, किंतु उससे बचने के लिए पंखे, कूलर एवं वातानुकूलित पर्यावरण तैयार करना रूपांतरण का उदाहरण है।